ऑपरेशन ऑल आउट नहीं है, गलत टर्म यूज कर रहे हैं लोग, कहीं कोई टेररिस्ट होते हैं वो फायर करते हैं या गोला फेंकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप फायर करेंगे और हम आपको मौके देंगे या फूल देंगे। हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन ऑल आउट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये बच्चे वापस आएं, इनके लिए जो हम कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं, इनको रास्ता छोड़ना चाहिए, जो कि इस रास्ते से कुछ नहीं होगा। और मैं इसको फिर रिफ्यूट करता हूं, ऑपरेशन ऑल आउट नाम की कोई चीज नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंक्वायरी की जाए, जो वायलेंस में जितनी भी डेथ हुई है इंक्वायरी की जाए। फारूक साहब रोज कुछ ना कुछ नया बोलते हैं फिर बदलते हैं, तो मैं वो सीनियर आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बात पे कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं। मलिक साहब, कई मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, जैसे लगता है वो प्रो सेपरेटिस्ट हैं, प्रो टेररिज्म स्टेटमेंट्स हैं। महबूबा मुफ्ती की बातें कहें, फारूक अब्दुल्ला है, सब पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पॉलिटिकल कंपल्शन है। वोट के लिए इस देश में आदमी बहुत दूर तक जाता है, तो मैं सबकी मजबूरी समझते हुए सबका सम्मान करना हूँ। इलेक्शन को लेकर तैयारी क्या माना जाए? हाँ, हम लोग तैयार हैं, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब करा देंगे। बस अभी रुक जाओ।